वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा आप लोगों ने अभी तक प्लानिंग की हुई है ऑन पैसिव के अंदर, उसके अनुसार कितना संभावना है आप लोगों के हर रोज़ की इनकम में, जो आज हम लोग खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों को बताएंगे कि अर्ली बर्ड कौन है और अर्ली बर्ड को कितनी इनकम होने वाली है, और होल्डिंग टैंक से कब निकल के आप सब लोगों के नीचे ये स्ट्रक्चर आने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप करके ना देखे, बने रहे हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ यार कमल और आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि कहा जा रहा है कि होल्डिंग टैंक पर काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट आ चुके हैं, या जो ऑन पैसिव ने प्रमोशन किया या आप लोगों ने प्रमोशंस किया उसको लेकर के काफ़ी बड़ा क्राउड होल्डिंग टैंक में आ चुका है। अब ये होल्डिंग टैंक से निकल के ही आप लोगों के जब जो भी जीरो डायरेक्ट हैं या जो भी अर्ली वर्ल्ड यहाँ उनको कहा गया, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो अर्ली वर्ल्ड हैं, और जो सेकेंडरी अभी एफिलिएट के रूप में आ रहे हैं उनको सेकेंडरी वर्ल्ड कहा गया है। तो अर्ली वर्ल्ड में सारे वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब उस पर भी अर्ली वर्ल्ड पे एक ये चीज़ आ चुकी है, जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो और ज़्यादा अर्ली हो जाते हैं, और सेकंड वो लोग और सेकंड हो जाते हैं जो लोग जिन्होंने अभी तक ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया है। तो क्या है ये पॉलिसी ऑन पैसिव, किस पर भी डिस्कस करेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया है और क्यों किया जा रहा है। तो हम सब लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि जितना भी आपके पास ट्रैफिक है वो उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन बाय किया है या नहीं किया है, दोनों को कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, जिससे कि ये होगा कि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो वो सब्सक्रिप्शन ज़रूर बाय करेंगे। जब सब्सक्रिप्शन बाय कर लें तभी उनके सामने वो विड्रॉल की ऑप्शन आनी चाहिए जो ट्रैफिक उनके सामने आया हुआ है। तो इस तरीके से भी ऑन पैसिव का एक माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और होल्डिंग टैंक से आगे निकल के अगर हम लोग चले कि हर रोज़ हम लोग कितनी इनकम होने वाली है, तो ज़बरदस्त तरीके से इनकम होने वाली। आजकल तो कुछ चैनलों पर इसको ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है, और क्यों आप लोगों को अब इनकम की आवश्यकता होने लगी है, हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव के अंदर जब से हम लोग आए या जब से हमको ऑन पैसिव के अंदर लाया गया, तब से एक ही बात ये की जा रही है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए, और आप सपने बड़े कर लीजिए और आपको यहाँ पे बहुत हैंडसम इनकम मिलने वाला है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके जो भी अब तक आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से इनकम नहीं किया वहाँ उससे ज़्यादा आप यहाँ इनकम करने वाले हैं। और ऐसर भी बार बार कहते हैं कि हमारा जो पे स्ट्रक्चर वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्ट्रक्चर होने जा रहा है, क्योंकि अभी न्यू स्ट्रक्चर की भी बात चल रही है जो कि आने वाले समय में, मैं समझता हूँ ये 10 मार्च जो अपना ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन दिया हुआ है, शायद जो कंप्लीट हो उससे पहले कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन या गुड न्यूज़ आप लोगों को आ जाए। एक तो आप लोगों का जो ओ कनेक्ट का जो पैकेज है वो चेंज होकर के आ रहा है, कितने रूप में पैकेज आएगा इस पर भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। साथ ही ये भी इस पर बात हो रही है कि जो नया पे स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें कितने डेप्थ तक इस कमीशंस आएंगे, कितने डेप्थ टीम तक आएंगे, कितने लेवल होंगे। कहीं ना कहीं अगर बात हम लोग करें तो ये जो स्ट्रक्चर और ये जो बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा MLM से संबंधित ही लग रहा है सब कुछ, क्योंकि कहा यह जाता था कि इसको MLM ना बनाया जाए, परंतु कहीं ना कहीं ये वही रूप ले रहा है लगातार MLM की तरह बढ़ता हुआ आगे। यदि अगर कॉमन कमीशन दे दिया जाता टीम कोई किसी की कितनी, क्योंकि सबने यहाँ ऑन पैसिव के लिए काम किया था, अपने अपने तरीके से काम किया था, अगर ये टीम की भावना नहीं होती तो शायद मैं समझता सबको कॉमन कमीशन मिलता, सबको कॉमन बोनस मिलता और सबको कॉमन टीम मिलती, और यहाँ जितने भी लोग निगेटिव हुए हैं वो भी निगेटिव नहीं होते और सबके सब एक क्यू में होते। और अभी जो वेट कर रहे हैं लोग ऑन पैसिव के अंदर आने का, वो भी अंदर के माहौल को देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है। यदि अगर विड्रॉल सब लोगों को टाइम से आ जाते हैं, पॉकेट्स तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत से लोग यहां आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। काफ़ी क्यू बड़ी होती जा रही है ये, और पूरी दुनिया इसको देख रही है। अभी आप लोग लगातार ये भी कह रहे हो कि दुबई पुलिस का जो इवेंट हो रहा है
तो इसमें क्या मीडिया पार्टनर बना है या मीडिया पार्टनर जितने हैं उन्होंने कोई एक विज्ञापन दिया होगा, जो भी सर्कुलेशन चला होगा या जो पेम्पलेट वगैरह छपते हैं या उनमें कई नाम होगा, तरह तरह की किंवदंतियाँ। देखिए कोई भी कंपनी होती है या मैं हुआ आप हुआ, अपनी बात को आप लोग बढ़ा चढ़ा के ज़रूर कहते हैं कि ताकि लोग उस पर आकर्षित हो। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, कई बार कम को ज़्यादा दिखाया जाता है और ज़्यादा को कई बार कम भी दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे पे स्ट्रक्चर किसी को नहीं बताना, ये नहीं बताना है, वो नहीं बताना है, बैक ऑफिस के स्क्रीनशॉट नहीं देने। तो वैसे ही जब किसी चीज़ को, जो बड़ी चीज़ को छोटा दिखाया जा रहा है और छोटे को बड़ा दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की पॉलिसीज होती है और एडवर्टाइजमेंट का ये एक फॉर्मूला भी होता है। वैसे तो एसर के बारे में पता ही है सबको, दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर हैं और जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई अब तक वो दुनिया ने देखी और उसका डंका भी बजा। चाहे बुर्ज खलीफा पर उन्होंने मार्केटिंग की हो, चाहे दुनिया के सबसे बड़े भील पर की हो, चाहे जी टैक्स में आकर के की हो, चाहे टी हब में आकर के की हो, तो लगातार फुटबॉल कप भी हुआ था उसमें भी की गई थी मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग का ही असर है कि आज काफ़ी दुनिया में लोग इसको जान पाए हैं और यहाँ पर एज ए एफिलेट के रूप में रजिस्ट्रेशन बहुत मिल चुका है। वो किस दिन और वो जितना भी रजिस्ट्रेशन है वो होल्डिंग टैंक में पहुँचा, होल्डिंग टैंक से निकल के कब आप लोगों के बीच में आएगा, इसी पर लगातार मंथन चल रहा है कि माहौल कुछ आप लोगों के माकूल हो जाए। ऐसा लगातार अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को ज़रूर शेयर करते हैं और ये प्रॉब्लम जेन्यून भी कई बार लगती है और जेन्यून होती भी है, क्योंकि जब कोई कोई कंपनी बनाता है कुछ ने जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन लेने होते हैं, हर कंट्रीज़ के साथ में एक टाई अप किया जाता है और जब वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम होता है या वर्ल्ड वाइड कोई कंपनी लॉन्च होती है तो उसके साथ कई चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने में का समय लगता है, जो कि जैसा ऑन पैसिव के साथ भी लग रहा है। मगर कुछ चीज़ें तो ऑन पैसिव के हाथ में, जैसे कि ट्रैफिक दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, और जो वॉलेट में कमीशंस लोगों के दिखाई दे रहे हैं वो उनके पॉकेट तक पहुंच जाए, ये भी किया जा सकता है। बैंक वॉलेट से ट्रांसफ़र अभी तक लोगों को नहीं आ रहा है, मतलब बैंक में ट्रांसफ़र नहीं पहुँच पा रहा है। क्रिप्टो में तो लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं और उनको मिला भी है शुरुआत में कुछ लोगों को, मगर बैंक में तो अभी तक एक रुपया भी नहीं मिला। और जितने भी फाउंडिंग मेम्बर्स आज यहाँ पर आए वो शायद अपनी पॉकेट के लिए ही आए, अपने सपनों को बड़ा करके उसको फुलफिल करना चाहते हैं इसीलिए आए। और आज की डेट में लोग काफ़ी लोगों ने आईडी परचेस करने में कुछ लोगों से पैसा भी उधार लिया हुआ है और वो उस पैसे की उधारी अभी तक नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव से अभी तक कोई फ़ंड नहीं मिला है। मगर हाँ, यहाँ पे जिन लोगों ने बड़ी बड़ी टीम बना ली थी उनको तो कुछ फ़ंड पहुँचा और उनकी तो बल्ले बल्ले, वो चाहे एक आध साल और उनको पैसा ना मिले उनकी तो जीवन यापन चल जाएगा। मगर ऐसा को इस बारे में सोचना चाहिए जिनने एक ही आईडी लगी हुई है और ट्रैफिक का इंतजार कर रहा है और वो अपने सपनों का इंतजार कर रहा है, तो वो उन सपनों के इंतजार को कब अमली जामा मिलेगा, कब वो अपने घर परिवार में खुश होकर के कह पाएंगे कि मैं ऑन पैसे भी हूँ और मैं इतनी इनकम करता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए कुछ चीज़ें छुपाने की नहीं होती, इन्हें बताना जरूरी होता है परिवार के बीच में बैठ करके। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऑन पैसे बहुत मुश्किल से लोगों को मिली है, बहुत नसीब वाले लोग होंगे जिनको ऑन पैसे मिला। क्योंकि फेसबुक में भी आपने अगर के देखा तो बहुत कम फाउंडर्स थे, 4-5-6 फाउंडर्स थे और पूरे दुनिया भर से जो भी रेवेन्यू उनको मिला वो उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो बहुत ज़्यादा मालूमाल हुए। सेम वैसा ही यहाँ पे जितने भी हम फाउंडिंग मेम्बर्स हैं आज की डेट में ऑन पैसे के साथ, दुनिया भर से जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका बोनस के रूप में तो बटेगा ही बटेगा। एफिलिएट के रूप में जितनी भी आपके साथ में ट्रैफिक चाहे ऑन पैसे के माध्यम हमसे आए या आपने अपने खुद से कुछ कलेक्ट कर लिया या आप आगे भविष्य में कलेक्ट करने वाले हैं, टीम को बनाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी इनकम उससे ज़बरदस्त आने वाली है और आएगी ही आएगी। तो इस तरह का ऑन पैसिव ने अपना एक प्लानिंग की हुई है, मगर हमेशा कोशिश ये की गई कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का इसको रूप ना दिया जाए। परंतु जब टीम ओपन हुई लोगों ने बताया कि हमको इतना 6 फिगर से ज़्यादा की इनकम किसी को हो जाएगी, किसी को 1 फिगर भी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में जब लगा अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है, इससे दूरी कैसे बनाई जाए, अभी भी इसी पर प्रयास किया जा रहा है। यदि अगर अभी भी वक्त है कॉमन कमीशन की बात की जाए, जितने अर्ली वर्ल्ड है उनके साथ कॉमन कमीशन कॉमन ट्रैफिक की बात की जाए, तो ये कभी भी नेटवर्किंग लगेगा नहीं। हाँ, एक एज ए एफिलिएट कंपनी के रूप में अगर हम लोग आगे भविष्य में काम करेंगे तो ये एफिलिएट कंपनी जरूर बन जाएगी और एफिलिएट इनकम प्रोवाइड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी।
और जो डायरेक्ट प्रोवाइड करा रही है और इन्वॉल्वमेंट भी रख रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी कंपनी ने अगर आपको एफिलिएट के रूप में बुलाया है तो उसके साथ आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो। आप वहाँ पर कुछ खरीदें या ना खरीदें तब भी आप वहाँ पर एज ए एफिलिएट वर्क कर सकते हैं, परंतु ऑन पैसिव के अंदर तो ये कि आपको आना भी है, परचेज भी करनी है, सब्सक्रिप्शन भी लेनी है, और जितने भी सब्सक्रिप्शन आते हैं एक प्रोडक्ट के अगर 8 सब्सक्रिप्शन आते तो आपको ऑटो लेने, अगर 8 प्रोडक्ट के 8 सब्सक्रिप्शन आने तो वो भी लेने। तो ये सबसे बड़ी कंपनियों की दुनिया की।